हेलो दोस्तों, आज आपके लिए फिर एक वीडियो लेके आया हूँ मैं। और बहुत ही आसान तरीका से कफ़ लगाने का तरीका आपने देखा होगा। जो नया बंदा है, अगर नया नया कारीगरी सीखा या नया नया आप शर्ट बनाना सीखे हो, उसके लिए बता रहा हूँ बहुत ही ईजी और बहुत ही फिनिशिंग तरीके से आप ये कफ चढ़ा सकते हो। तो ये आज मैं करके दिखाऊँगा दोस्तों आप लोग के लिए। पहले आपको बता दूँ मैं कि ये कफ जो चिपका हुआ हमारा चकपट्टी हमारा बना हुआ है। अब इसमें हम इसको पूरा डिटेल में एक एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको और सिलाई लगा के भी दिखाऊंगा। तो आप बहुत ही ध्यान से देखें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले। उससे क्या आपको जो भी मैं वीडियो डालूँगा वो आप लोग के पास पहुँच सकेगा और आप लोग देख सकोगे और एक से एक चीज़ें सीख सकोगे आप लोग। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस तरीके से आपको 1.25 इंच का एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपको कफ को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और मार्जिन आपको एक पैर रख के छाट लेना है। ये बिल्कुल ही आसान तरीके से दो तरीके से लगता है कफ, मगर ये बहुत इजी तरीका है और बहुत ही जल्दी लग जाता है ये। अब ये देखिए, इस तरीके से आपको बाजू का शेप कर लेना है। जो भी थोड़ा सा फालतू कपड़ा है तो इस तरीके से काट के आपको शेप ले लेना है कि टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अब जैसे क्या करना है दोस्तों कि जैसे कि ये है हमारा एक पैर का मार्जिन है, तो एक पैर आपको छोड़ के ही लगाना है। वो एक पैर वो कफ का मार्जिन छोड़ के ही लगाना है। तो अब इसको हम लगा के दिखा रहे हैं आपको। हम जैसे यहाँ से मैं एक पैर छोड़ दिया, ठीक है, हाँ इस तरीके से एक पैर छोड़ दिया। अब मैं सिलाई लगा रहा हूँ। ये देखिए, एक पैर का ही मार्जिन लेना है आपको, क्योंकि आपने एक पैर दबाव कटिंग किया है और ये आपको 1.25 इंची पे डट डालना है। पहला डट ये ध्यान रखना आपको कि चाक पट्टी की सिलाई से 1.25 इंची पे ये डट डालनी है आपको। ये डट डाल के हाँ आपको इस तरीके से मिला लेना है। अब दोस्तों ये एक पैर का ही सिलाई लेना है बिल्कुल बराबर, नहीं तो अगर आप ज़्यादा मार्जिन ले लेंगे तो कम बेसी हो सकता है वो। अब ये देखिए, इधर भी देख लीजिए, आपको एक पैर का ही आया। इस तरीके से सिलाई लगा लिए। अब क्या करना है, इसको पलट लेना है। पहले नाखून से ये दोनों मिला लेना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। ये दोनों बराबर हमारा है। उसके बाद इस तरीके से आपको जहाँ से आप सिलाई लगाए थे उस तरीके से कफ मिला लेना है और फिर इसको सिलाई लगा लेनी है। कफ मिलाने के बाद इस तरीके से सिलाई लगानी है आपको, बिल्कुल बकरम के बगल से लगाना है। बिल्कुल बकरम चढ़ाना नहीं है, एक सूत के बगल से लगाना है आपको। इस तरीके से भी यहाँ भी इस तरीके से लगा लेना आपको सिलाई। ये बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों, बहुत ही इजी तरीका। मैं इस तरीके की वीडियो बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। कटिंग का वीडियो है, स्टिचिंग का वीडियो है, बहुत ही इजी तरीके से मैं बताता हूँ आप लोग के लिए। बहुत इजी तरीका मैं करता हूँ कि आप लोग आराम से इसको सीख सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम ये कपड़े को कफ को पलट लिए हैं। अब इस तरीके से आपको बैठा लेना है, कहीं पे भी कोना देख लीजिए आप, कोना दिख नहीं रहा होगा, फालतू निकला हुआ। अगर आप इस तरीके से चढ़ाएंगे ना तो बहुत ही फिनिशिंग तरीके से ये कफ आपको चढ़ेगा ये। और ये आपको अब हम सिलाई लगा के दिखा रहे। पहले आपको इधर से स्टार्टिंग करनी चाक पट्टी की तरफ से, ठीक है दोस्तों। पहले बैठा लेना है बिल्कुल, देखिए इस तरीके से, और हाफ पैर की आपको सिलाई लगाना चारों तरफ, कफ के चारों तरफ हाफ पैर की सिलाई लगा लेनी है आपको। तरीके से दोस्तों आपको आराम आराम से हाफ पैर की सिलाई लगाना, हाफ पैर की। हाफ पैर से क्या होता है, खूबसूरती होती है। जिस तरीके से हमारे कफ का शेप है उसी तरीके से चारों तरफ से नीचे का पल्ला आपको खींच के रखना है। नीचे का पल्ला इसलिए खींचना है कि अंदर नम ना आए।
तो मैं इसको चढ़ा के दिखाऊंगा और अंदर करके भी दिखाऊंगा, बिल्कुल भी नम नहीं होगा, बिल्कुल क्लीन होगा। तो इसलिए अंदर वाला पल्ला आपको खींच के चलना है। हाँ ये देखिए, जिस तरीके से आपको सेप है उसी तरीके से हाफ पैर का आपका यहाँ भी देख लीजिए, देखिए बिल्कुल भी ठोका देख रहे हो ना आप, कहीं भी कोना नहीं निकलेगा। अगर इस तरीके चढ़ाओगे आप तो कोना कहीं निकलना ही नहीं, कोना निकल ही नहीं सकता। एक कप बना के चढ़ाते हैं तो उसमें क्या है कि आपको थोड़ा लब अंदर बाहर हो सकता है, मगर इस पर नहीं होगा आपका, कभी भी नहीं होगा। अब इस तरीके से आपको अंदर वाले हाथ से पल्ला खींचना है कि नम ना आए, बॉडी में कहीं नम नहीं आए। और ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से ये फिनिशिंग के साथ दोस्तों आप लोग को मैं चढ़ा के दिखाया हूँ ये कफ, आप लोग खुद देखिए इसको और वीडियो पूरा देखिए। और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बताइए कि हाँ मुझे इस चीज़ सीखना है। अब देखिए मैं अंदर का भी फिनिशिंग दिखाता हूँ, मैं जिस तरीके से बाहर की फिनिशिंग आएगी उस तरीके से अंदर की भी आएगी। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल क्लीन आ रहा ना, तो आप लोग इसी तरीके से चढ़ाए तो क्या है बिल्कुल एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। और ये बहुत ईजी तरीका है, ये कोई भी बंदा चढ़ा लेगा, अनाड़ी बंदा भी इस तरीके से चढ़ा लेगा कफ अगर कच्चा करके चढ़ा रहे तो आप। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।